हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल indiabit.com। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम SSC JEE 2017 के बारे में डिस्कस करेंगे। 2016 का पेपर जो 2017 में हो रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले देखते हैं इस वीडियो में हाईलाइट पॉइंट्स क्या क्या हैं, इन किन टॉपिक्स पर हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड अवेलेबिलिटी के बारे में बताएंगे। फिर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो पहले अपीयर हुए हैं, पहले जो पेपर्स हुए हैं उसमें, वो बताएंगे। फिर वैकेंसीज बताएंगे किन किन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में खाली हैं। फिर स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताएंगे। फिर पेपर वन का डिटेल्स के बारे में बताएंगे। फिर पेपर टू का डिटेल्स। फिर प्रीवियस ईयर कट ऑफ 2014 का, पेपर वन और पेपर टू का बताएंगे। फिर टाई ब्रेकिंग के रेजोल्यूशन के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लें, जहां पर आप अपने क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं और हम आपको सोल्यूशन देंगे। हमारे वेबसाइट पर विजिट कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर विजिट कीजिए और हमें फॉलो कीजिए। सारे लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले एग्ज़ाम डेट पर नज़र डालते हैं। तो SSC ने आखिरकार इतना डिले होने के बाद भी अब जो एडमिट कार्ड्स हैं वो जारी कर दिया है। तो जो एग्ज़ाम होगा वो 1 मार्च से 4 मार्च 2017 के बीच में होगा। तो आपका एग्ज़ाम किस डे पे है ये आप पता करने के लिए अपना एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड करें अपने रीजनल SSC की वेबसाइट से। आप जिस भी रीजन में, वहाँ का वेबसाइट खोल लीजिए और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों, अब देखते हैं नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो अपीयर हुए हैं पहले के एग्जाम्स में कितने हुए हैं, इससे हमें ये मालूम चलेगा कि इस बार कंपटीशन कितना टफ है। तो 2012 में जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे 102,145, 2013 में 165,661, 2014 में 264,945, 2015 में 308,852, 2016 में एक्सपेक्टेड है वो है मोर देन 4 लाख। मतलब इस बार का कंपटीशन सबसे टफ होने वाला है, इसलिए आप अच्छे से बिल्कुल प्रिपेयर करके जाएं। दोस्तों, अब नज़र डालते हैं वैकेंसीज पे। तो वैकेंसीज जो खाली हैं सेंट्रल वाटर कमीशन में जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए पोस्ट खाली हैं। CPWD में जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए पोस्ट खाली हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जूनियर इंजीनियर सिविल, MES में जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर क्वालिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट, फक्का बैराज प्रोजेक्ट में जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन में जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, क्वालिटी एश्योरेंस में जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। तो इन डिपार्टमेंट्स में पोस्ट खाली हैं। अब देखते हैं स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन। तो टोटल 2 स्टेजेस में एग्जाम होगा, स्टेज 1 और स्टेज 2। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं आगे। सबसे पहले पेपर 1 पर नज़र डालते हैं। पेपर 1 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड होगा टेस्ट। इसमें 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और आपके इंजीनियरिंग ब्रांच से जो कि सिविल एंड स्ट्रक्चरल हो सकता है या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल। इसमें से आपका जो भी ब्रांच होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। जो क्वेश्चंस होंगे वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से मैक्सिमम मार्क्स 50 होंगे, जनरल अवेयरनेस से 50, सिविल एंड स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल आपके इंजीनियरिंग ब्रांच से 100 मार्क्स, टोटल 2 आवर्स। दोस्तों, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, तो आपको ओवरऑल बिल्कुल मार्क्स लाने हैं। कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। तो आपको अगर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपको अच्छी पकड़ आपकी है तो आप उससे भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जनरल अवेयरनेस से भी स्कोर कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप इससे ही ज़्यादा स्कोर करें, टेक्निकल में कम स्कोर लाएँ, फिर भी आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। दोस्तों, पेपर 2 पर नज़र डालते हैं। तो पेपर 2 जो है कॉन्वेंशनल टाइप का पेपर है,
एक रिटन पेपर होगा, क्वेश्चंस दिए होंगे उसके, आपको सॉल्यूशन पूरा सॉल्व करना होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन रिटन एग्जामिनेशन। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में दोस्तों आपके ब्रांच से होगा रिलेटेड, तो सिविल एंड स्ट्रक्चरल, सिविल वालों के लिए या स्ट्रक्चर वालों के लिए, फिर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए मैकेनिकल से क्वेश्चंस होंगे। टोटल मार्क्स जो होंगे वो होंगे 300, और टाइम ड्यूरेशन जो होगा वो होगा 2 आवर्स। चलिए पेपर वन को आगे और अच्छे से देखते हैं। तो एग्ज़ाम मोड जो है ऑनलाइन है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मैक्सिमम मार्क्स 200 होगा, टाइम होगा 2 आवर्स। अब देखते हैं करेक्ट आंसर के लिए मार्किंग स्कीम में +1 मिलेगा, और आपने कोई आंसर नहीं दिया तो 0, और आपने गलत आंसर दिया तो -0.25। दोस्तों और भी एग्ज़ाम है, जैसे गेट हो गया, कैट हो गया, बैंक पीओ के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें क्या है कि आपको जो गलत आंसर करने पे 1/3 मार्क्स काटे जाते हैं, लेकिन एसएससी के एग्ज़ाम्स में 0.25 मतलब 1/4 मार्क्स ही काटे जाते हैं, तो ये अच्छी बात है। सब्जेक्ट्स जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर वन में वो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से पूछे जाएंगे, और जनरल इंजीनियरिंग से, क्योंकि सिविल एंड स्ट्रक्चरल हो गया, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल। अब पेपर टू पर नज़र डालते हैं। एग्ज़ाम मोड जो है पेपर टू का वो है ऑफलाइन, जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो हैं 300, टाइम होगा 2 आवर्स, और इसमें जो सब्जेक्ट होगा जनरल इंजीनियरिंग, आपके ब्रांच से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और प्रीवियस ईयर कट ऑफ पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले पेपर वन का कट ऑफ देखते हैं, पहले 2014 में क्या था। तो सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग पर नज़र डालते हैं, जनरल के लिए 93.75, OBC के लिए 82, SC के लिए 75.75, ST के लिए 70, हियरिंग हैंडीकैप के लिए 40, और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप के लिए 69। और अब इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कट ऑफ पर नज़र डालें, तो जनरल के लिए 117.5, OBC के लिए 109.5, SC के लिए 102.5, ST के लिए 93.75, हियरिंग हैंडीकैप के लिए 69, और OH के लिए 93। चलिए अब देखते हैं पेपर टू। पेपर टू का जो रिटन एग्ज़ाम होगा कॉन्वेंशनल पेपर, उसका कितना कट ऑफ था 2014 में, इस पर नज़र डालें। तो जनरल के लिए, सिविल में जनरल के लिए 136, OBC के लिए 100, SC के लिए 80, ST के लिए 79, HH के लिए 30, और OH के लिए 77। अब इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए कट ऑफ पर नज़र डालते हैं। जनरल के लिए 215, OBC के लिए 180, SC के लिए 149, ST के लिए 126, HH के लिए 64, और OH के लिए 124। अब दोस्तों देखते हैं कुछ ऐसे सिचुएशंस भी आ जाते हैं जिसमें मोर देन टू या मोर देन टू कैंडिडेट्स के स्कोर जो है वो बराबर आ जाते हैं, तो इसमें कैसे फैसला होगा कि कौन कैंडिडेट क्वालिफाई करेगा। सबसे पहले देखा जाता है टोटल मार्क्स रिटन एग्जाम में कितने लाए हैं, दोनों अगर इक्वल रहा फिर आगे बढ़ा जाएगा, नहीं तो जिसका ज़्यादा रहा वो सेलेक्टेड। दोनों इक्वल रहने के केस में मार्क्स इन पेपर टू देखा जाएगा, जिसका मार्क्स ज़्यादा होगा वो क्वालिफाई, और जो कम होगा वो नहीं क्वालिफाई। अगर इसमें भी सब सेम हो गया तो फिर मार्क्स इन पेपर वन देखा जाएगा, इसमें जिसका मार्क्स ज़्यादा होगा वो क्वालिफाई होगा। इस कंडीशन में भी सेम रहने पर फिर जिसका डेट ऑफ बर्थ मतलब पहले का होगा, जो ओल्डर कैंडिडेट्स होंगे जिनका एज होगा वो ज़्यादा होगा वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर ये भी सेम रह गया तो इस केस में आखिरी केस जो होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेम चेक किया जाएगा और उसके हिसाब से सिलेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें जिसका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमें फेसबुक ग्रुप पर भी ज्वाइन कर लें। थैंक यू वेरी मच।